भोजपुरी फिल्मों की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्म जगत में वैसे तो कई सुपरस्टार हैं, लेकिन अगर हम सबसे बड़े सुपरस्टार की बात करें तो पवन सिंह का नाम पहले आता है। जी हाँ, अपने भोजपुरी दर्शकों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नयापन लेके आने वाले भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर से भोजपुरी मीडिया में सनसनी बने हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पवन सिंह की लगातार आने वाली फिल्मों के कारण भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह ने तहलका मचा रखा है। उनकी फिल्में हमेशा भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट का डंका बजाती है। आपको बताते चले कि 2018 में पवन सिंह पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री करीब 100 करोड़ रुपए का दावा करने जा रही है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट की माने तो सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म 2018 में 100 करोड़ का बिजनेस करने वाली है, लेकिन यह आंकड़ा अभी तक साफ नहीं किया गया है कि किन किन फिल्मों का होने वाला है, क्योंकि 2018 में पवन सिंह की लगातार 5 फिल्में रिलीज होने वाली है, जो सभी फिल्में एक से एक बढ़ के होने वाली है। इस फिल्म में पवन सिंह बेहद खतरनाक एक्शन सीन करते हुए नजर आने वाले हैं। होली के शुभ अवसर पर पवन सिंह की मोस्ट अवॉर्टेड फिल्म वांटेड भी रिलीज को बिल्कुल तैयार होने वाली है, क्योंकि वांटेड की शूटिंग अभी से ही जोर शोर से शुरू कर दिया गया है। फिल्म का शूटिंग नेपाल के खूबसूरत लोकेशन पर जोर शोर से फिल्माया जा रहा है, लेकिन अभी तक वांटेड में किस हीरोइन को साइन किया गया है ये अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन जिस हिसाब से वांटेड की प्रमोशन सोशल मीडिया पर हो रही है, उस हिसाब से उम्मीद लगाया जा रहा है कि 2018 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म वांटेड होने वाली है। अगर इस तरीके से ही पवन सिंह की कुछ फिल्में भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट करती है तो 2018 में पवन सिंह 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकते हैं। भोजपुरी गॉसिप से राहुल शर्मा की रिपोर्ट। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।